हे साईं बाबा, आप हो सबसे महान, सबकी करते रक्षा सुबह शाम। कौन छुएगा उसकी परछाई, कौन छुएगा उसकी परछाई, जिसको बचाने वाला स्वयं शिरडी का साईं। भक्तों, आज हम आपको साईं चालीसा पढ़ने से हुए एक ऐसे चमत्कार को बताने जा रहे हैं, जिसे देखकर आपको भी साईं बाबा की शक्ति और चमत्कारों पर पूर्ण रूप से विश्वास हो जाएगा कि वास्तव में साईं बाबा आज भी अजर अमर हैं और अपने भक्तों की अवश्य ही रक्षा करते हैं। भक्तों, वीडियो शुरू करने से पहले सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जय साईं राम जरूर लिखें, ताकि इस वीडियो की शुरुआत ही अच्छी हो। तो चलिए भक्तों, जानते हैं कि साईं बाबा के सच्चे भक्त ने जब आधी रात को पढ़ी साईं चालीसा और फिर जो उसके साथ हुआ, यह देखकर आपकी भी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। दोस्तों, यह पूर्ण सत्य घटना है और यह घटना हमें साझा की है नमन ने, और उन्होंने खुद हमें बताया कि कैसे आधी रात को साईं बाबा ने खुद आकर उनकी जान बचाई है। चलिए जानते हैं नमन की कहानी उनकी जुबानी। मेरा नाम नमन है, मैं यूएसए में रहता हूँ। यह बात कुछ समय पहले की ही है, जब मैं हरियाणा में रहता था। मेरा एक रूटीन था, मैं हर सुबह नहाकर अच्छे कपड़े पहनकर साईं चालीसा पढ़ता था। उसके बाद ही मैं चाय नाश्ता किया करता था। हालांकि मैं शिव भक्त भी हूँ, पर मुझे पाठ के नियम नहीं मालूम और न आज तक मैंने किसी नियम का अनुसरण किया था। मेरा एक रूटीन सा बन गया था, चाहे मैं बीमार ही क्यों ना हूँ, मैं हर रोज हाथ मुंह धोकर साईं चालीसा व पूजा पाठ कर लिया करता था। इसी के कारण मैं अपने ऑफिस में भी आधे घंटा लेट पहुंच पाता था। साईं बाबा की कृपा से किसी सीनियर ने मुझे आज तक कुछ भी नहीं बोला। मेरे जॉब में मुझे आराम दिलाने के लिए मेरे बॉस ने अपने बेटे के शतरंज के टूर्नामेंट में उसके साथ मुझे रांची भेज दिया। हम लोग वहीं के एक गांव में ठहरे थे और चूंकि मेरा बॉस मुझ पर बहुत भरोसा करता था और जॉब की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही होती थी, एक दिन मैं अपने बॉस के बेटे को वहीं छोड़कर दिल्ली आ गया अपने ननिहाल। मैं रात के 12 बजे ही ननिहाल पहुंच गया और मुझे राह में कोई साधन भी नहीं मिल रहे थे। वहीं मुझे एक ढाबा दिखा, वहां मैंने पूछा कि क्या साधन अब नहीं मिल पाएगा, तो उन्होंने कहा कि अभी रात के 12 बज गए हैं, आपको कोई भी साधन नहीं मिल पाएगा। उस ढाबा वाले ने मुझे बोला कि यहां से 15-20 मिनट बाद बस स्टैंड है, आप यहां से पैदल चले जाओ। और अंधेरा काफ़ी था, मैंने उनकी बात मानी और मुझे डर भी लग रहा था और मैं पैदल चलने के लिए आगे बढ़ गया। मैं अभी 150 मीटर गली के अंदर गया ही था, अचानक मैंने एक आदमी को सामने वाली घर से निकल के दूसरे घर में एकदम फुर्ती से जाते हुए देखा और मुझे उसके चलते हुए कदमों की आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आई। इस गली में कोई शोर भी नहीं था, एकदम सन्नाटा छाया हुआ था। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मैं आगे बढ़ने लगा। फिर कुछ देर आगे बढ़ने के बाद मैंने पीछे पलट कर देखा और देखते ही रह गया। उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि जहां मैं था 15 मीटर पीछे और 15 मिनट आगे कोई घर और जगह था ही नहीं। और उस आदमी को मैंने जहां से निकलते देखा था, वो एक खाली प्लाट था और वहां कुछ पेड़ लगे हुए थे। एक पल में ही वहां का सारा नज़ारा बदल गया। अभी मैं आगे बढ़ा ही था कि अचानक वहां से आवाज़ आने लगी, किसी के चलने की, और पेड़ों से चमगादड़ों की आवाज़ आने लगी जोर जोर से। और मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे पीठ के पास से रीढ़ की हड्डी से पकड़ लिया है। मैं बहुत घबरा गया और मेरे पसीने छूटने लगे थे।
मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मेरी पीछे मुड़ के देखने की हिम्मत नहीं थी। 2 मिनट बाद अचानक मेरे मुंह से साईं चालीसा का पाठ निकलना अचानक ही शुरू हो गया। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि डर के मारे यह पाठ कैसे शुरू हो गया। अभी मैंने पाठ का पहला दोहा पढ़ा ही था। मुझे धक्का लगा और मैं अपने आप को आजाद महसूस करने लगा। मैंने साईं चालीसा का पूरा पाठ, जो मुझे कंठस्थ याद था, मैं पूरा पढ़ता रहा और मैं उस गली से निकलकर दूसरे गली में गया और मुझे सामने से गाड़ी में कुछ लोग दिखे। मैंने उनको रोका और अपने जाने का रास्ता पूछा। उन्होंने पूछा कि इतनी रात को तुम कहां से आ रहे हो। मैंने उन्हें सब विस्तार से बताया। नसीब वाले हो जो जिंदा बच के आ गए। इस गली से हम रात के समय कभी नहीं निकलते। ननिहाल पहुंचकर मुझे 102 बुखार चढ़ गया था, पर मैं उस गली से सही सलामत साईं बाबा की कृपा से बचकर निकल आया। साईं बाबा की कृपा थी जो स्वयं मेरे मुख से साईं चालीसा निकल पड़ी थी। श्रद्धा और विश्वास में बहुत ही ताकत होती है। ऐसा ही दोस्तों मेरे साथ हुआ उस दिन। ये थी दोस्तों मेरी कहानी। उस दिन से मेरी साईं बाबा के प्रति श्रद्धा और भी बढ़ गई थी। जब भी कहीं भी जाता हूँ, जहाँ भी मुझे साईं का मंदिर नज़र आता है, तो मैं वहाँ रुककर मत्था जरूर टेकता हूँ। भक्तों, ये थी नमन की कहानी। अगर आपके पास भी कोई ऐसी सत्य घटना है तो आप हमारे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप जरूर करें। और आप भी साईं बाबा पे विश्वास करते हैं तो एक बार सच्ची श्रद्धा के साथ कमेंट बॉक्स में जय साईं राम जरूर बोलें। ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटा बटन को दबाकर सर्वप्रथम आप सभी बाबा के चमत्कारों की ऐसे वीडियोस प्राप्त करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय साईं राम।